सारे सैंड, सारे परफ्यूम, सारे डियो सब बेकार हैं इस इत्र के सामने, वो भी फ्री की इत्र। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, हमें गर्मियों में कुछ फ्रेग्रेंस के लिए इत्र या परफ्यूम या डियो चाहिए ही होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा इत्र बनाकर दिखाऊंगी जो कि इसी सीजन में ही बनाया जाता है। आपको इतना पसंद आएगा कि आप आज के बाद ये इत्र घर में ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। गर्मियों में ढेर सारे जैस्मिन के फूल, जिसे मोगरा भी कहते हैं, चमेली भी कहते हैं, वाइट कलर के फूल बहुत आते हैं। इसमें खुशबू बहुत अच्छी होती है। अगर हम इन्हें तोड़ेंगे नहीं तो यही मुरझा जाते हैं, तो क्यों ना इनका यूज़ किया जाए। तो चलिए ढेर सारे मोगरे के फूल लेकर आते हैं। अगर आपके घर में भी ये फूल हैं तो इसे बस तोड़ लीजिए, या फिर फूल नहीं है तो एक बेनी ले लीजिए। महाराष्ट्र में हर छोटे मोटे फंक्शन में इसके फूलों की वेणी बनाकर लेडीज लोग बालों में जरूर लगाती हैं। इसे शुभ माना गया है। अब हमें वेणी बनी हुई है तब तो कोई बात नहीं, अगर मेरे जैसे आपके पास फूल हैं तो आपको इसको वेणी की तरह इसी तरीके से धागे में सुई से आपको वेणी बनाना है। अब वेणी कितनी बड़ी बनाना है डिपेंड करता है ये। अब इसके लिए लीजिए कांच की साफ बॉटल। अब इसे आप इस तरीके से चिपकाइए, ये साइडों से भी टच नहीं होना चाहिए, नीचे तले में भी टच नहीं होना चाहिए। आप उसकी कैप में ना इस धागे के ऊपर एक टेप लगा लीजिए। ये देखिए, जब आप इस तरीके से टेप लगा देंगे ना सेंटर में, तो क्या होगा, ये जो गजरा है वो सेंटर में ही रहेगा, वो साइड से टकराएगा नहीं बॉटल से। ये छोटी सी ट्रिक है, इसे जरूर फॉलो कीजिए बस, और कोई तो आपको मेहनत करनी ही नहीं है। गजरा उतना ही हो कि आपकी बॉटल के नीचे तले में भी वो ना टकराए, बस जस्ट ऐसा ही। अगर मेरी बात अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप सामने देखेंगे ना तो बस समझ जाएंगे। मैं तीन बॉटल में, मतलब दो बॉटल एक जार में, इसी तरीके से बनाकर लगा देती हूँ। देख लिया ना आपने, बिल्कुल इसी तरीके से। अब आपको कुछ नहीं करना है, कोई मेहनत नहीं करनी है, इस बॉटल को जाके कहीं धूप में रख दीजिए। मैंने तो एक नहीं, दो दो तीन दिन बॉटल को रख दिया है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे इसका इत्र निकलता है। एक दिन नहीं, दो दिन रखना है, ज़्यादा लालच भी ना करें, सिर्फ और सिर्फ दो दिन। दो दिन बाद आप देखेंगे कि जो सूखी बॉटल थी बिल्कुल, उसके चारों तरफ एक स्टीम्स टाइप आ गई है, वही हमारी इत्र है। ये प्योर है, नेचुरल है, बहुत ही लाइट, बहुत ही मज़ेदार है। और नीचे आपने देखा होगा ड्रॉप्स के रूप में पानी आ गया है, और ये फूलों की हालत क्या हो गई है, बिल्कुल ऑरेंज कलर के फूल हो गए हैं और पूरे सूख चुके हैं, इनमें कोई मॉइस्चर नहीं है। तो देखा ना आपने, बिना मेहनत के कोई मेहनत नहीं है। सारा इत्र मैंने इसी तरीके से एक जार में मैंने कलेक्ट किया है, करीब करीब 2 से 2.5 चम्मच ये इत्र है। अब इत्र की बॉटल जो होती है बहुत छोटी छोटी होती हैं, मैंने तो किसी इत्र की दुकान से ये छोटी छोटी बॉटल ले ली हैं, उसमें मैं भर के रख रही हूँ। आप चाहें तो इस तरीके से रोल ऑन लगाइए, या बड़ी बॉटल में रख के आप स्प्रे वाला ढक्कन लगा दीजिए। गर्मियों में अगर इत्र घर में फ्री में बन जाए, वो भी बहुत ही नेचुरल और बहुत ही लाइट, तो कैसा रहे। ये बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। तो इसे हमें स्टोर करके रखना चाहिए, कोई भी खाली साफ इत्र की बॉटल में। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।